हेलो दोस्तों, तो ये है अगली ड्राइंग। पिछली वाली ड्राइंग में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहली ड्राइंग जो कि पीसीसी की और एक्सकवेशन की, जिसमें लेंथ और विड्थ पता चलती है हमें ग्राउंड के ऊपर लेआउट करने के लिए कि हमें कितने एरिए में हमें खुदाई करनी है। लेकिन हमें वहाँ से क्या लंबाई और चौड़ाई पता चल गया था, लेकिन डेप्थ कितनी खोदनी है हमें, कितनी मिट्टी निकालनी है, फाउंडेशन की डेप्थ क्या रहेगी ग्राउंड से नीचे, वो नहीं पता चली थी। तो इस वाली ड्राइंग में हम ये देख लेते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दिए हुए हैं। तो सेक्शन मैं बताऊंगा आपको, सेक्शन जैसे ए ए सेक्शन है जो कि मैंने आपको दिखाया अभी, ऐसे ही सी सी सेक्शन, ई ई सेक्शन कटे हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। तो अब मैं आपको बताता हूँ डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी लेनी है और कौन सी वाली ड्राइंग से पता चलेगी। तो दोस्तों फोकस करो इस सी वन वाले कॉलम का जो सेक्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखो इसका एलिवेशन दे रखा है हमें, इसे एलिवेशन बोलते हैं जो वर्टिकली हमें एलिवेशन दिखाता है। तो यहाँ पे सी वन कॉलम है और सी वन कॉलम का ये देखो यहाँ पे, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है 6 इंच प्लस 9 इंच प्लस 12 इंच प्लस 12 इंच, अब आपको एक यहाँ पे ये एनजीएल दिखाई दे रहा होगा। इस एनजीएल को देखो, इस एनजीएल का मतलब है नेचुरल ग्राउंड लेवल। तो ये है आपका ग्राउंड लेवल साइड के ऊपर। इस ग्राउंड लेवल से कितना नीचे जाना है हमें इससे पता चलेगा, आप प्लस करो 12 इंच प्लस 12 इंच प्लस 9 इंच प्लस 6 इंच, तो टोटल आपका कितना हो गया 12 इंच होता है आपका 1 फिट। तो 1 फिट प्लस 1 फिट 2 फिट, 2 फिट और 9 इंच आपका हो गया, 2 फिट 9 इंच प्लस 6 इंच आप कर दोगे तो आपकी टोटल डेप्थ जो आ गई फाउंडेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आ गई आपकी 3 फिट 3 इंच। तो इस क्रॉस सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या है, देखो अब खुदाई हो गई आपकी, लंबाई चौड़ाई आपको मिल गई और डेप्थ मिल गई। सबसे पहले तो जो पहली वाली ड्राइंग मैंने दिखाई थी उसके अकॉर्डिंग हम खुदाई कर लेंगे, जेसीबी वगैरह से खुदाई कर लेते हैं। उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करवाते हैं अच्छे से, साफ तरीके से लेवल ट्रांसफ़र करते हैं हर एक पॉइंट पर। उसके बाद इस क्रॉस सेक्शन को देखो, सबसे पहला जो काम है इस एलिवेशन में सबसे नीचे वाले पॉइंट देखेंगे हम। सबसे नीचे आपको दे रखी है लीन कंक्रीट, सीसी लिखा हुआ है, सीसी का मतलब सीमेंट कंक्रीट, 1:5:10 कंक्रीट का रेशियो दे रखा है 1:5:10। इस सेक्शन में सबसे पहला स्टेप हमने देख लिया सीसी 1:5:10, जो कि इसमें साफ तौर से पता चल रहा है 6 इंच डेप्थ में डालनी है हमें ये, और इसकी लेंथ और जो विड्थ है वो एज़ पर हम ड्राइंग देखेंगे जो हमने पहले खुदाई वाली ले रखी है। ओके, दोनों साइड सटरिंग करेंगे, उसके बाद 6 इंच हम लीन कंक्रीट डाल देंगे मिक्सर से मिक्स करके, या फ्लोरी आती है फ्लोरी से मिक्स करके। अब इसके ऊपर देखो आपको ये लाइनें दिखाई दे रही होंगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन। तो मैंने एक वीडियो डाली हुई है कॉलम की फुटिंग कैसे डालते हैं, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। ये जो सी वन कॉलम है ये आइसोलेटेड कॉलम है, इसके चारों तरफ से पहले क्या करेंगे, ये वर्टिकल भराई कर देंगे, ये वर्टिकल, ये वाला जो पोर्शन है वर्टिकल यहाँ से यहाँ तक 9 इंच की शटरिंग लगा के इसकी पूरी भराई कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जब हल्का वो सूख जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये पेडेस्टल है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली पोर जो है ये आपका है पेडेस्टल। तो पेडेस्टल है आपका 21 इंच बाई 30 इंच का। तो पेडेस्टल पे यहाँ पे सूत बांध लेंगे यहाँ पे, और फिर इसकी भराई करेंगे हम कितनी, 1 फिट। 1 फिट जो भराई होगी इसकी टेपर में होगी। ओके, तो टेपर में भराई हो गई, अब हमारा ऊपर बचता है पेडेस्टल। पेडेस्टल हमने यहाँ तक भराई कर ली है इसकी। तो ये भराई मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, भराई का मतलब है कास्टिंग करना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कास्टिंग कर ली हमने यहाँ से यहाँ तक, अब हमारा पेडेस्टल वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको 21 इंच बाई 30 इंच, और ये पेडेस्टल का टॉप आपका एनजीएल ग्राउंड तक दिखा रखा है। इसके बाद हमारा कॉलम स्टार्ट हो जाता है ऊपर तक। अब ये जो बीच में लाइनें दी हुई हैं ये आपका रीइंफोर्समेंट दिखा रखी है आपकी। तो कॉलम की रीइंफोर्समेंट सबसे पहले तो ये जो देखो ये पॉइंट यहाँ पे, ये आपका कॉलम है, कॉलम का क्रॉस सेक्शन। जब कॉलम को हम ऊपर से काट देंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखाई देगा, कॉलम को जब हम टॉप से देखेंगे। अगर आगे भी आपको इसी तरह के वीडियोज़ और देखने हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहो, वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को